हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आज मैं लेकर आ गया हूँ टेकोटो का एक और नया वीडियो, जिसमें आज हम डिटेल फीचर रिव्यू करने जा रहे हैं KTM 250 ड्यूक 250 को बेसिकली। एंड ये 2022 मॉडल है हमारे पास एंड आज हम बात करेंगे इसके बारे में फुल्ली डिटेल में। एंड अगर आप मेरठ या मेरठ के नियर बाई सिटी से हैं तो आप विजेता बजाज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनके पास देख सकते हैं आप सारा स्टफ है KTM का, टोटली पूरा स्टफ है। एंड यहाँ पर आपको हस्क वरना भी देखने को मिल जाएगी, तो सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। अगर आप जो भी डिटेल्स हैं इनकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी दबा दें हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। एंड इंस्टा पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसके फ्रंट सेक्शन की बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको LED में फुल लाइट सेटअप देखने के लिए मिलता है। एंड यहाँ पर जो अपर एंड लोअर बीम है वो भी हमारी सब LEDs में ही आती हैं, देखें आप ये भी सब LED में ही आता है। तो मेरे को ये सेटअप बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड जो इसका सस्पेंशन है, आप सस्पेंशन देख सकते हैं, अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर हमको 17 इंचिस के अलॉयज देखने के लिए मिलते हैं, ब्लैक कलर के अलॉयज हैं। एंड जो इसकी विड्थ है 110 mm की देखने के लिए मिल जाती है। डुअल चैनल ABS में बाइक आती है। एंड हमको जो फ्रंट डिस्क डायमीटर देखने के लिए मिल रहा है 320 mm का देखने के लिए मिल जाता है। एंड एक और चीज़, फ्रंट डिस्क में हमको 4 पिस्टन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इंजन हमारा यहाँ पर 250 cc का है। आप पहले ना चेसी देखें, चेसी कितनी सही लगती है यार इस बाइक की। एंड जो इसका वेट है ना बाइक का, वो हमारा अराउंड 169 kgs है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस बाइक लिटिल बिट ऑन द लोअर साइड, 155 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस हमको देखने को मिलता है। बाइक में कोई भी मिडिल स्टैंड देखने को नहीं मिलता। एंड आप देख सकते हैं सामने इंजन कॉल देखने को मिल जाता है। एंड हमारा जैसे BS6 कंप्लाइंट इंजन है, लिक्विड कूल्ड इंजन हमको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। एंड जो पावर ये प्रोड्यूस करता है 29 bhp की, एंड जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है 25 Nm का ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है। चेन सेटअप आपको ओपन चेन सेटअप देखने के लिए मिल रहा है। एंड जो गियर्स हैं वो इसमें एक नीचे की साइड, बाकी आप साइड इसमें देखने को मिल जाता है। एंड जो गियर शिफ्टिंग है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इस बाइक में देखने को मिल रही है। 6 gears इस बाइक में हमको देखने को मिल जाते हैं। रेयर पे चलें तो डिस्क हमारी राइट हैंड साइड पर देखने को मिलती है। चलो अभी दिखा देता हूँ, पर जो हमारा फुटरेस्ट है यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल, पीछे हमारा नॉर्मल फुटरेस्ट, बट ये यहाँ पर भी आपको लेदर फिनिश देखने को मिल जाएगी। काफ़ी सही ग्रिपिंग रहती है, अदरवाइज अदर कंपनीज मेटल में प्रोवाइड करती है जिससे स्लिप होता रहता है। रेयर टायर पर आप देख सकते हैं आपको पूरी कवरिंग देखने को मिल जाती है, साड़ी गार्ड देखने को मिल जाता है। ऑल दो इस पर कोई साड़ी पहनकर तो बैठता नहीं इस बाइक पर। एंड जो रेयर टायर है वो भी 17 इंच का ही मिलता है, जो कि विड्थ में आता है 150 mm की। टेल लाइट सेटअप भी हमारा यहाँ पर फुल्ली LED देखने के लिए मिल जाता है। एंड नीचे आपको यहाँ पर LED नंबर प्लेट के लिए भी लाइट देखने को मिलती है। इंडिकेटर्स भी हमारे LED हैं, मैं एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। फ्रंट से देख सकते हैं इंडिकेटर छोटे छोटे से, एंड ये फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। रेयर पे भी हमको, मतलब जैसे मैंने कहा था आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, तो रेयर पे जो डिस्क मिलती है हमको 230 mm की डिस्क देखने के लिए मिल जाती है। एंड इसमें हमको सिंगल पिस्टन देखने के लिए मिलता है। आप साइलेंसर देखें कितना सही साइलेंसर इसमें हमको देखने को मिल जाता है। एंड इसमें आपको ना ये मेटल फिनिश भी अलग से दी गई है, तो ये काफ़ी सही लग रहा है। आप चाहे इसके नीचे से स्टार्ट से देखें, एंड पूरा साइलेंसर काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिश के साथ यहाँ पर आता है। रियर सस्पेंशन मेरे काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा है भाई, एपेक्स मोनो शॉक एब्जॉर्वर्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये वाला सस्पेंशन। एंड इसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे से लेग गार्ड भी देखने को मिल जाते हैं। ऑल दो पेट्रोल टैंक की बात करूँ तो यहाँ पर हमको 12 लीटर्स का पेट्रोल टैंक देखने को मिलता है। एंड इंजन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा फाइबर कवरिंग्स देखने के लिए मिल जाती हैं, जिस पर हमारे ग्राफिक्स से लिखा है 250 ड्यूक। काफ़ी सही लग रहे हैं ये ग्राफिक्स। एंड जो KTM की बैजिंग है वो आप नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पर KTM की बैजिंग देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पर पीछे भी हमको KTM की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। सीट की बात करूँ तो यार सीट मेरे को ना थोड़ा फील में तो हार्डर साइड पर लग रही है, अभी जब बैठता हूँ तब मैं बताता हूँ आपको। एंड जो पिलियन की सीट का साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, स्प्लिट सीट हमको देखने के लिए मिल जाती है। एंड जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो भी हमारे स्प्लिट ग्रैब हैंडल्स देखने के लिए मिलता है। काफ़ी सही डिज़ाइनिंग की बात करें तो डिज़ाइनिंग बाइक का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ये बाइक काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है।
एंड चलो एक बार मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिखा देता हूँ ऑन करके बाइक को। सो गाइस आपने अगर आवाज़ सुनी हो तो ये ECU यूनिट की आवाज़ है जो कि इसकी स्टार्ट होती है जब भी आप इसे ऑन करते हैं। छोटा सा यहाँ पर हमको मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है जिसमें हमारा ऊपर की साइड है RPM मीटर, नीचे हमारा गियर शिफ्ट इंडिकेटर एंड हमारा स्पीडोमीटर एंड काफ़ी सारे अलग वार्निंग्स हमको यहीं पर देखने को मिली है जैसे साइड स्टैंड डाउन है एंड हमारा टाइम, हीट, पेट्रोल मीटर एंड अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाएंगी। सो आप यहाँ से अपने मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। दो ट्रिप इसमें देखने को मिल जाती हैं तो यहाँ से आप अपना सब कुछ सेट कर सकते हैं। बाकी सारी वार्निंग लाइट्स आपको यहाँ पर नॉर्मल देखने के लिए मिल जाती हैं। स्विच गियर सेटअप ऑल दो यहाँ पर काफ़ी सही लगता है मेरे को तो ये बैकलाइट वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक बैक लाइट है, रात में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। ऊपर की साइड हमारे पास यहाँ पर हमारा हाई लो बीम इंडिकेटर स्विच, नीचे हमारा हॉर्न, सुन लेते हैं एक बार हॉर्न, काफ़ी पावरफुल सा हॉर्न है। एंड राइट साइड पर हमारा इंजन किल स्विच एंड हमारा नीचे सेल्फ माउंटेड है। दो मिरर माउंटेड देखने को मिल जाता है एंड जो हैंडल है यहाँ पर स्ट्रीट हैंडल हमको देखने को मिल रहा है। एंड मेरे तो यार मैं तो खुद अपना क्रूज बाइक चलाता हूँ तो उसमें खुद स्ट्रीट हैंडल है तो मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। एंड जो इसका पेट्रोल टैंक है आपको यहीं पर इस पर की का स्पेस देखने को मिल जाता है। चलो एक बार मैं बैठता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कि बॉडी पॉस्चर कैसा आता है। सो गाइस एक बार इस बाइक को करते हैं स्टार्ट और सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा है। पहले देखते हैं कि सिंगल सेल्फ में स्टार्ट होती है या नहीं। भाई सिंगल सेल्फ में बाइक स्टार्ट हो गई है एंड एग्जॉस्ट नोट आप सुन सकते हैं। ये इसका नॉर्मल है, एक बार ना मैं थ्रॉटल देता हूँ तब सुनते हैं। तो भाई आपको इसी से पता चल गया होगा कितनी ज़्यादा पावरफुल बाइक है ये एंड आपको राइडिंग में कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस बाइक पर। सो गाइस बैठते हैं एक बार इस बाइक पे। हाइट बाइक की काफ़ी अच्छी है एंड अगर आपकी हाइट यहाँ पर 5'6" है तब भी आपको कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि मेरी 5'10" है। तो आप देख सकते हैं मेरे लेग बिल्कुल नीचे हैं ग्राउंड पर एंड आप इसमें ना थोड़ा स्ट्रेट बैठना होता है। आपको देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैं स्ट्रेट बैठा हूँ, अपराइट सी बाइक है ये एंड जो आपके हाथ हैं काफ़ी स्ट्रेट रहते हैं, बैक भी स्ट्रेट रहती है, पैर का जो पोजीशनिंग है वो ज़्यादा बैक जाता है आपका, काफ़ी ज़्यादा बैक जाता है एंड जो यहाँ पर थाई सपोर्ट है थोड़ा मिस आउट थाई सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सीट इसकी इम्प्रूव होनी चाहिए, सीट काफ़ी ज़्यादा हार्डर साइड पर है तो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अगर होता है तो और बेटर रहेगी ये बाइक या आपके राइडिंग क्वालिटी के लिए, क्योंकि भाई लॉन्ग टूरर बाइक है सब लेकर निकल जाते हैं, वैसे तो नेक बाइक है बट हमारे इंडिया में तो हर एक बाइक को टूर पर लेकर निकलने की आदत है तो वहाँ पर आपको इशू फेस हो सकता है क्योंकि इसकी जो सीट है काफ़ी ज़्यादा हार्डर साइड पर फील हो रही है बैठने के बाद। एंड जो माइलेज है वो आपका यार डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल पर, बट जो ARAI क्लेम कर रहा है वो 30 KMPL का माइलेज क्लेम करता है। बाकी यहाँ पर आपका कूलेंट का स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यही सब था, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, चलिए थैंक यू।